नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त समूचे मिर्जापुर जनपद में हर घर झंडा फहराने की जो योजना है, तमाम लोगों के अंदर अति उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि कैसे देशभक्ति की भावना जनपद मिर्जापुर में हर व्यक्ति के अंदर देखी जा रही है। और प्रशासनिक स्तर पर भी हर लेवल पे, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, चाहे ग्राम पंचायत स्तर का हो, चाहे जिले और मंडल के लेवल का हो, सभी के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और कैसी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है, इसकी जानकारी हम सीधे जनपद मिर्जापुर के CDO हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो झंडा जो फहराए जाने की जो योजना है अगस्त के महीने में 11 से 17 के बीच में, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? इसमें हमारे जनपद में कुल मिला के शासन से हमको 3.5 लाख झंडा फहराने का लक्ष्य मिला है। इसमें सरकारी बिल्डिंग, गैर सरकारी बिल्डिंग और गांव में घर और शहर में घर, ये सब रहेगा। और हमने झंडा निर्माण और झंडा को वितरण के लिए हमने विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपे है। उसमें महत्वपूर्ण है कि हमारे महिला के समूह है, उनके द्वारा झंडों का सिलाई एवं वितरण का कार्य में वो लोग लगे हैं। अन्य विभागों को भी वो सप्लाई करेंगे और आम जनता को भी वो सप्लाई करेंगे, यही हमारा प्लान है। क्या अपील करेंगी जनपद वासियों से कि इस जो है अमृत के अमृत महोत्सव में 75वां वर्ष है, कैसे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे, अपील क्या है यार? तो मेरा सभी लोगों से यही एक संदेश है कि हमारे ये 75 साल का ये जो आज़ादी का ये जो आयोजन है, इसमें समस्त लोग अपने तन मन लगा के इसमें प्रतिभाग ले और इस रूप से करे कि अपने घरों में और दूसरों को भी प्रेरित करे, अपने घरों में उनके घरों में भी झंडा को फहराने के लिए सभी लोगों को प्रेरित करे और इसमें प्रतिभाग ले। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो तैयारी है वो बहुत ही जबरदस्त है, और जब भी आप झंडा फहराएं तो ये ध्यान रखें कि झंडा न तो कटा हो न फटा हो, और झंडा झुका भी नहीं होना चाहिए। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।